झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टिकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टिकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।